तो ये जो आप पत्थर देख रहे हो, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसको हम लाए हैं साउथ के पहाड़ों से, जंगलों से ढूंढ के। तो आपने बिल्कुल सुना होगा कोलू का बैल, तो हमने उस पूरी प्रोसेस में से बैल को हटा दिया है। तो अब ये मशीन है हमारे पास जिससे हम तेल को निकालते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने इसको वेट कर लिया था, तो ये 15 किलो के आसपास मूंगफली है जिसको हम एक बैच में एक बार 15 किलो ही निकालते हैं धीरे धीरे करके। हाँ, धीरे धीरे करके अंदर की पिसती जाएगी और हम एक्स्ट्रा डालते जाएंगे इसमें। जब भी आप ऑब्वियसली अगर आप एज अ व्यूअर अगर आप इसको देख रहे हैं तो एक बार देखिएगा, जब भी आप वुड प्रेस्ड ऑयल की मशीन्स को देखेंगे, उनकी वीडियोस को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनका बेस बहुत तेजी से घूमते रहता है। इसीलिए वो हो सकता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 घंटे में हम केवल 6 किलो ऑयल निकालने वाले हैं यहाँ से, और उसी मशीन, कई बार वही मशीन है अलग अलग तरीके की, जो 1 घंटे में 50 लीटर 100 लीटर तक तेल निकाल देती हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य इस मशीन के साथ है शुद्धता। तो हम इसको ना तो तेज़ करने वाले हैं, ये इसी स्पीड से चलेगा, हर ऑयल जो आप तक पहुँचा है वो इसी RPM पे क्रश होके पहुँचा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब धीरे धीरे ऑयल जनरेट होना स्टार्ट हो गया इसमें से। तो अब ये जैसे जैसे क्रश होते जाएगा और क्रश होते जाएगा, इसमें से ऑयल बढ़ते जाएगा और फाइनली ये नीचे बॉटम, मैंने आपको दिखाया था जब ये मशीन खुली हुई थी, कि इसके बॉटम में वो स्टोर होते जाएगा और फाइनली फिर हम इसको इस पाइप से अनओपन करके निकाल लेंगे। तो देखिए, हम जो बोल रहे थे अभी तक आपको, अभी तक तो सिर्फ हम बातें कर रहे थे, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि क्या सच में भी ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। तो अगर आप अभी रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी जो रूम टेम्परेचर है वो 28.9 अराउंड 29 डिग्री है। देखिए, तो ये हमारा ऑयल है, अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं 29.2। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो रूम टेम्परेचर है वो 29 डिग्री था, अब आप टेम्परेचर देख रहे हैं यहाँ पे 29.2 29.4 यही है अभी आपका। जनरली स्पेलर देखा होगा जहाँ से तेल निकाला जाता है या वुड प्रेस्ड ऑयल देखा होगा, तो उसमें जो मशीन रहती है उसमें खल और तेल अलग अलग निकल जाता है करके, और जो भी आप खल देखते हो वो एकदम पापड़ जैसी पतली आपको देखने को मिलती है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस खल को, तो यहाँ पे इसमें अभी भी दाने मौजूद है, और ये दाने क्यों हैं, क्योंकि हम इसको सिंगल प्रेसिंग करते हैं, इसलिए अभी इसमें से ऑयल निकल सकता है अभी। तो अभी हम पहले कुछ जो ऑयल थोड़ा सा निकला है हमारे पास उसको पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद एक बार इसको और रोटेट करेंगे और फिर आपके पास जो है पूरा टोटल ऑयल आपके पास आ जाएगा। देखिए, अभी आपने देखा कि हम यहाँ से ऑयल निकल रहा है, और मैंने आपको बताया कि हम ना फिल्ट्रेशन नहीं करते कोई भी, तो ये सी फिल्टरिंग हो रहा है, जो भी यहाँ से आएगा ऑयल सिर्फ इस छन्नी से छनेगा, वो इस बाल्टी में इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद हम आपके ऑयल को टोटली फ्री रखते हैं, प्लास्टिक कॉन्टैक्ट फ्री रखते हैं, तो हम इसके बाद इसको एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर में डालेंगे जिसमें ये ऑलमोस्ट 10-15 डेज रहेगा, वहाँ पे सेडिमेंटेशन होगा अपने आप और फिर वो ऑयल आप तक पहुँचेगा पैकिंग होने के बाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पूरे प्रोसेस में आपके ऑयल को प्लास्टिक कॉन्टैक्ट फ्री रखते हैं, तो आपको ऑयल निकालते हुए दिखाया, आपके लिए आइए दिखाते हैं कि हम इसको कैसे स्टोर करते हैं। तो ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स हैं, है ना, ये 100 लीटर्स के आसपास के कंटेनर्स हैं जिसमें हम ऑयल को रखते हैं, और ऑलमोस्ट 10-15 डेज तक हम इन ऑयल को इसी में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद ये नेचुरल सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं नीचे, और उसके बाद हम इस टैप से ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है आपकी 0.5 लीटर की जायरोस फार्म की ग्राउंडनट ऑयल की बॉटल, जिसको सिंगदाना ऑयल या मूंगफली का तेल भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि आपको किस नाम से मिल रहा होगा, तो ये है हमारी पैकेजिंग 0.5 लीटर की। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, आप ये प्योरिटी परचेस करना चाहते हैं, अगर आप फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gyrosfarm, या आप हमको कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8950800633, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे देखकर आप हमसे बात कर सकते हैं। अमेज़न पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी, ये आप सारी जगह देख सकते हैं।